अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हम आपको अपने न्यू व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्यारे भाई इब्राहिम। थैंक यू जी। आज असल में हमारा प्लान बना था कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में व्लॉग बनाए, अपना पूरा इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में, और मैंने अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा दोनों बताते हैं। अभी हम बिल्कुल गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अब आपको पूरा जो है गेट से अंदर लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। आपको ले चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो नाज़रीन, हम पहुंचे अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आए आपको ले चलते हैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। तो अभी हम आ गए हैं जी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं अभी आप लोगों को अपने दोस्त से मिलवाता हूं। नंबर वन पे हमारा जी हमास सिद्दीक। क्या हाल है, सब ठीक है? और हमारे दूसरे भाई हामिद भाई हैं, ये सारे हमें एक क्लास के। ओके जी, अभी आपको जो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं अपनी वॉइस ऑफ इकरा की, जो है हमारी ऑडिशन उन्होंने लिया था और माशाल्लाह से वो सिलेक्ट हो गई हैं। और ये है जी एना अदनान। हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है, मज़े में है। तो कमाल की आवाज़ है इनकी, अगर किसी ने कुछ करना है ना तो कुछ कॉन्टेक्ट डीएम कॉन्टेक्ट करें, माय काइंड ऑफ म्यूजिक मेरा पेज फॉलो करें, फॉलो करें। साथ में बैठी है फैशन डिजाइनर काजमा यासीन। काजमा, अगर आप हमारे सबसे बिगेस्ट फैशनिस्टा महान मंत्री, ये जी फ्यूचर फैशन डिजाइनर मेहदी। और आए आप लोगों को हम लेके चलते हैं आगे लॉबी की तरफ। ओके जी, अभी हम जा रहे हैं जी अपने एडमिन ऑफिस की तरफ, बिल्कुल सामने हमारे एडमिन ऑफिस है, और अभी आपको वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ के। और ये देखिए जी हमारे दोस्त खड़े हैं यहाँ पर। आए आप लोगों को हम लेके चलते हैं एडमिशन ऑफिस की तरफ, और हम अभी जा रहे हैं लॉबी की साइड, तो एडमिशन ऑफिस की तरफ जा रहे हैं अभी। ये है जी एना अदनान। ओके जी, आ जाइए, आप एडमिन ऑफिस की तरफ चलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप सारे लोग यहाँ पर बने होते हैं। तो आए आप लोगों को एडमिशन ऑफिस की तरफ लेकर जाते हैं इकरा यूनिवर्सिटी। ये रहा जी एडमिशन ऑफिस। आप लोगों को अगर कोई किसी ने एडमिशन लेनी है तो ऑफिस में आए और यहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा। सारा जो है मतलब एडमिशन के हवाले से रिलेटेड, आप यहाँ पे इनसे बात करें, मैडम साहब बैठे हुए यहाँ पे, आप इनसे बात करें। लेकर चलते हैं लॉबी की तरफ, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की जितने भी इवेंट्स हुए हैं, मेगा ऑफिस पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर पुराने जो इवेंट्स हुए हैं, मेगा इवेंट्स, इन सब की जो तस्वीरें हैं कि यहाँ पर वॉल पर लगे हुए हैं। हम ठीक है, आप लोगों से मिलवाते हैं बी एस सी एस के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, इनसे राय जानते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्या है।
ओके जी, अब हम आपको लेके जा रहे हैं मैक लैब। जो मैक लैब है काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ स्टूडेंट्स को फ्राहम की जाती है इस यूनिवर्सिटी में। मैक लैब, डेल लैब, जीपी लैब, तो काफ़ी सारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है यूनिवर्सिटी में। अगर मसला है कि क्लास हो रही है, ये मैक लैब है और ये आप देख सकते हैं ये क्लास हो रही है। थोड़ा सा दिखा दी, चलो नहीं सर उससे से बात कर लेंगे। आए आप लोगों को हम मिलवाते हैं हमारे एफओडी के सीआर हमजा ब्रो। हाउ आर यू एवरीवन, आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। और ये हमारा जो है सीआर है, फंडामेंटल ऑफ डिजाइनिंग का सीआर है। हमारे बहुत जो है ख्याल रखते हैं सबका, कुछ भी अगर बात हो ये हमें मैसेज करता है फौरन से। सर थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये हमें जो आप शख्सियत देख रहे हैं, मेरा नाम नवाजिश है और मैं इन लोगों का मल्टी मीडिया का सी आर हूँ। ठीक है, इन लोगों की असाइनमेंट है, मैं करके देता हूँ। इनकी बातें ना सुने, आप ये सारे छापर हैं, ओके जी। ये हमारी डल लैब है, यहाँ पे स्टूडेंट खड़े होकर हमें पढ़ाते हैं और ये आप देख सकते हैं बैठे। यहाँ पर हमारे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और प्रीवियर की क्लासेस होते हैं डल लैब में। फुल जूम आ रहा है मैंने। वैसे ये भी शुगर में। ओके थैंक यू। ओके चले व्यूअर्स, अब आपको दिखाते हैं हम इकरा यूनिवर्सिटी का फैशन डिपार्टमेंट जो यहाँ से शुरू होता है। पहले आप यहाँ एंटर होंगे, यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्टवर्क बना हुआ है पुराने स्टूडेंट्स का, जो हमारे सीनियर रह चुके हैं, ये फुल उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये फैकल्टी मेंबर्स के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा आर्टवर्क, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं। तो ये पुराने स्टूडेंट्स के आर्टवर्क्स हैं जो आप देख सकते हैं सारे डिस्प्ले में। एक हमारा ये भी डिस्प्ले है, ये फिल वक्त तो खाली है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट ड्रेसेस बनाते हैं, जो भी वो अपना वर्क करते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है हर वक्त। ये हमारा एक यूनिवर्सिटी का ड्राइंग स्टूडियो है, यहाँ पे हमारी हर मंडे को क्लास होती है। ये हमारा सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। अब फैशन डिपार्टमेंट के बाद हम आपको लेके जा रहे हैं टेक्सटाइल स्टूडियो, डिजाइनिंग वगैरह। यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। ये कुछ हमारा फैशन डिजाइनर्स का और वर्क है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। इधर आ गए हैं तो आपको लाइव जो उन्होंने स्टिच किए हैं, अपने हाथ से खुद बनाए हैं फ्रॉम स्क्रैच, वो दिखाते हैं डिस्प्ले में। ये यहाँ की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है, बहुत मेहनत करके और बहुत मज़े का बनाया है। ये हमारा डिज़ाइन स्टूडियो, डिजाइन्स बनाते हैं लाइव। अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ पे आके हम करते हैं।
तो गाइस ये भाई थे हमारे मैगी भाई और ये फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी से। तो हमने सोचा कि फैशन के बारे में हमसे ज़्यादा जो एलम है इन्हीं को है, तो हमने सोचा कि इनसे वो कर देते हैं फैशन के हवाले से, ये हमें बता देंगे। तो इन्होंने हमें फैशन के हवाले से बता दिया, अब हम आपको लेके जाते हैं मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, मीडिया स्टूडियो आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन आए आपको लेके चलते हैं मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ। तो हाँ ये तस्वीरें आपको हम खरा दिखाते चले, तस्वीरें कुछ लगी हुई हैं यहाँ पे दीवारों पे लगाई हुई हैं इन्होंने, सारा कंप्यूटर डल है आपका। ये भी है शिक्रा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स है, और ये मेरे पास व्हील चेयर वगैरह दे रहे हैं जो मतलब के जो मजदूर होते हैं लोग उनके लिए ये व्हील चेयर भी इन्होंने दी हुई है। आगे चलते हैं तो ये कुछ कुछ मीडिया के हवाले से ही है, कोई सिंगिंग वगैरह चल रही है, म्यूज़िक वगैरह, और इधर भी सिंगिंग चल रही है जी, डांस चल रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं स्टूडियो अपना जो मीडिया स्टूडियो है, आपको लेके चलते हैं मीडिया स्टूडियो की तरफ। आज जी आपको मीडिया स्टूडियो से लेके चलते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी का मीडिया स्टूडियो है जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर मीडिया जो स्टूडेंट्स हैं मतलब शोज वगैरह होते हैं, शोज वगैरह होते हैं, लाइव शोज, मॉर्निंग शोज वगैरह, वो यहाँ पर भी सारे होते हैं यहाँ पर। असल में ना किसी किसी को पता नहीं है कि स्टूडियो होता कैसा है, बिल्कुल, तो ये ऊपर लाइट्स वगैरह लगी होती है, ये वो सारा सीन होता है, यहाँ पे एलसीडी आ रही होती है, लाइव चल रहा होता है, सारा इधर आ रहा होता है, शो हो रहा होता है, और ये ग्रीन स्क्रीन होती है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन को, मतलब कोई भी स्क्रीन लगा लें आप कोई मसला नहीं है, ग्रीन शीट इसीलिए काम आती है। और ये सोफे हैं, यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठते हैं, यहाँ से सारा वो जो कंट्रोल वगैरह होता है। तो नाज़रीन ये है मीडिया एडिटिंग लैब इकरा यूनिवर्सिटी का। तो ये है नाज़रीन कैंपस पाकिस्तान में, हर मतलब सबसे जो बड़ा कैंपस जो है कराची है, मेन कैंपस कराची वाला, उसके बाद जो है ये कैंपस इसके पीछे लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के, और ये हमारा जो इस्लामाबाद वाला कैंपस है, और अभी एक और कैंपस भी इन्होंने बनाया है चेक शहजाद में, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो आई नाज़रीन को ये दिखाएगा जी कैंपस की पिक्चर्स, ये देखें ये इकरा यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस है, ये नाज़माबाद कैंपस है, और ये जो है बैरिया टाउन कैंपस, ये हमारा इस्लामाबाद कैंपस मेन जो है, मेन जो है वो कराची का, ये हम इस्लामाबाद में, ये जी मेन कैंपस कराची का मलीर, बाकी आप देख सकते हैं ठीक है जी। अभी तक कैसी चल रही है स्टडी है? ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, कितने नंबर आ रहे हैं? अच्छे हो गया बात जो है, चलिए जी अल्लाह आपको कामयाबी इंशाल्लाह, आगे सेमेस्टर में मज़ीद मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह खुद खुद मिलेगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। सही बात है, सही बात है, थैंक यू, ओके बॉस, ओके जी, थैंक यू। तो नाज़रीन मेरे चैनल का नाम है मुस्तफ़ा व्लॉग्स और इनका चैनल का नाम है इब्राहिम व्लॉग्स, तो हम दोनों ने कोलैबोरेशन एक वीडियो बनाई है, क्लिप एक व्लॉग बनाया है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बिल्कुल इनके चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें मुस्तफ़ा व्लॉग्स के नाम से, और एक कोलैबोरेशन वीडियो थी हमारी, तो बड़े दिन से हम जो है ना वेट कर रहे थे इस चीज़ का, फाइनली आ गया, और उम्मीद है कि यार आपको पसंद आई होगी। और अभी हम जा रहे हैं पीछे, हमारे बिल्कुल पीछे कैफेटेरिया है, वहाँ पे जा रहे हैं, उधर जाके देखते हैं क्या सीन सीन है, आपको भी दिखाते हैं चलेंगे। ये देखे फार्मेसिस्ट मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हेलो, क्या मेरे डॉक्टर सही था फार्मेसिस्ट है, और हम यहाँ पर आए गोले डंडे खाने के लिए, और अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं। भैया अरे सारे दो में खड़े हो, छाव में खड़े हो गए, क्या सीन है सारे छाव में खड़े हो गए, आ जाए भैया अभी
चलो 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 चलो। हम लोग यहाँ आए हैं गोला गंडा खाने, जो कि हम सिर्फ दिखावे के लिए आए हैं, खाएंगे कुछ नहीं, खाली हाथ वापस जाएंगे, सिर्फ वीडियो के लिए बना रहे हैं। पैसा किसी के पास ही है, सारे गरीब हैं, हम भी गरीब, हमारे बाप भी गरीब, हमारे दादा भी गरीब, आप इसके ड्रेसिंग चेक करें, देख सकते हो ड्रेसिंग चेक करें, देख सकते हो चंद हसीन लम्हा अपने दोस्तों के संग कि हम आए हैं गोला डंडा खाने के लिए, गोला डंडा खाने के लिए। और एक तो गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर, बहुत गर्मी है, तो हमने सोचा कि गोवा खोए वाला फालूदा किसने खाना है, आए आपको ले चलते हैं जी यहाँ पर। तो ये एक गोला तैयार होता है यहाँ पर, भाई साहब फैसलाबादी लग रहा है, बड़े अभी हम खाएंगे, ट्राई करेंगे, एक सुबह का है मैंने ओरे का बुखार हूं। गंडा, इसका क्या नाम है जी? गोला गंडा। आए और बड़ी चेस आएगी इसको खाते खाते हैं, और भाई साहब बनाने लगे गोला गंडा, ये अभी हम खाएंगे इसको, फिर देखते हैं आप लोगों का टेस्ट कैसा है। Hi guys, like, share, subscribe. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब यार? हम जी दो भाई अच्छे से इनके ना जो चैनल भी आए, उनको चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करा के, थैंक यू।